बात करते हैं दोस्तों पागलपंती के बारे में। सबसे पहले तो आपको बता दूं, ये एक मैड मैड कॉमेडी है। इसके लिए मैंने एक स्टैट्यूटरी वार्निंग दी थी ऑलरेडी कि आप लोग अगर इस फिल्म को देखने के लिए जाएंगे तो अपना दिमाग, अपना लॉजिक घर पे ही रख के जाइएगा, क्योंकि सिनेमा घरों में अगर आप लेकर जाएंगे तो आपको निराशा ही हाथ लगेगी। बट इन सारी चीज़ों के बावजूद दोस्तों फिल्म आपको हंसाने में कामयाब भी रहती है, फर्स्ट हाफ स्पेशली। सेकेंड हाफ की अगर मैं बात करूँ तो वो लिटरली इतना ज़्यादा ड्रैग किया है, इतना ज़्यादा बोरिंग कर दिया है कि आप लोग उदास और मायूस हो जाते हैं। सिर्फ थोड़ा सा क्लाइमेक्स पोर्शन में आपको हंसी आती है और आप खिलखिलाकर हंसते हैं। रही सही बात दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो फिल्म के गाने ना दोस्तों आपको बता दूँ सबसे पहले तो अच्छे हैं, बट अगर ये ट्रिम हो जाते, अगर ये शॉर्ट हो जाते तो आई गेस फिल्म ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती। इनफैक्ट जब सिनेमा घर के अंदर मैंने 2 घंटे से ज़्यादा इस फिल्म को देखा, मतलब जिसका जो टाइम ड्यूरेशन वो 2 hours 17 minutes समथिंग है, राइट, तो आई वॉज एक्सक्रूशिएटिंग माई सेल्फ कि यार ये मैंने क्या कर दिया। मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर मैं बात करूँ तो सेकेंड हाफ इतना ज़्यादा लेंदी और बोरिंग हो जाता है और इतना ज़्यादा च्विंगम की तरह खींच रहे हैं ये लोग कि मैं लिटरली बोर हो गया था। एंड मेरे साथ क्या क्या काफ़ी लोग, काफ़ी दर्शक इस बात को कह रहे हैं कि यस फिल्म की जो कहानी है वो आपको बोर कर देती है। और वहीं सेम 2 डॉन हैं, डॉन का पैसा गायब है, डॉन कैसा पैसे लेगा, 3 लड़के हैं, ये पनौती हैं, ये कॉन्सेप्ट बॉलीवुड देख चुका है यार ऑलरेडी। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर अनीस बज्मी सर को अपना कॉमेडी लेवल बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ाना चाहिए। अनीस बज्मी वही डायरेक्टर है जिन्होंने रेड्डी फिल्म बनाई, जिन्होंने दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो नो एंट्री जैसी फिल्म बनाई, जिन्होंने अगर मैं बात करूँ तो बहुत अच्छी अच्छी कॉमेडी फिल्म वेलकम वेलकम बैक जैसी फिल्में बनाई। अनीस बज्मी सर की एक जो मुझे प्रॉब्लम ये लग रही है दोस्तों कि वो 90s की ही पकड़ में एकदम से बंध चुके हैं। 3 अच्छे लड़के 3 अच्छी लड़कियां लेकर वो फिल्म जो बना रहे हैं उसमें जो कन्फ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, सर मुझे लगता है कि ये आइडिया थोड़ा सा फ्लॉप हो गया है, अब प्लीज़ मूव ऑन कीजिए। जहां एक तरफ कॉमेडी फिल्म जैसे ड्रीम गर्ल बाला आ रही है तो सर ये डेफिनेटली आप लोगों को चैलेंज है। आप 90s के लेजेंडरी डायरेक्टर हैं, आप 2000 के लेजेंडरी डायरेक्टर हैं, बट अगर बात करें ना सर थोड़ा सा अपना थोड़ा सा प्लॉटिंग कहानी इसको इम्प्रूव करिए, क्योंकि हम लोग ऐसी कहानी देख देख कर बहुत ही लिटरली बोर हो चुके हैं। प्लस मैं जॉन अब्राहम साहब के लिए बहुत ज़्यादा नाखुश हूँ, क्योंकि जॉन अब्राहम जब भी कॉमेडी करने की कोशिश करते हैं इट वॉज लाइक फोर्स्ड कॉमेडी। मतलब जॉन अब्राहम इज अ वेरी गुड लुकिंग एक्टर, जॉन अब्राहम इज वेरी टैलेंटेड एक्टर, स्पेशली जब वो बाटला हाउस जैसी फिल्म करते हैं या सत्यमेव जयते जैसी फिल्म करते हैं या फोर्स जैसी, दोस्ताना जैसी फिल्म करते हैं। बट जॉन अब्राहम दोस्तों जब इस तरीके की फोर्स्ड कॉमेडी करते हैं ना तो मिजरेबली वो फेल हो जाते हैं। पता नहीं क्यों मुझे जॉन अब्राहम साहब की कॉमिक टाइमिंग, उनकी ओवरडोज मुझे पसंद नहीं आई। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे लगता है कि जॉन अब्राहम साहब को थोड़ा सा रियलिस्टिक फिल्म ज़्यादा करनी चाहिए, परमाणु जैसी फिल्म उन्हें करनी चाहिए, बिकॉज ही वॉज जस्ट अमेजिंग इन दैट। वहीं रही सही कसर दोस्तों अगर मैं बात करूं तो लड़कियों ने कमी पूरी कर दी इस चीज़ को लेकर। लड़कियां इलियाना डिक्रूज, उर्वशी राउटेला एंड यस कृति, इन तीनों में से सबसे ज़्यादा जो स्क्रीन स्पेस मिला है वो कृति को मिला है। और कृति ने वहीं से मुझे ऐसा लग रहा है कि हाउसफुल 4 की जो राजकुमारी थी वो यहाँ पर वापस आ गई है, और यहाँ पर भी वो रिच ब्रैट लड़की ही बनी है, राइट, जिसके पापा शादी पे रेडी नहीं है, पापा गैंगस्टर हैं, ये हैं वो हैं, पापा रिच हैं, फिल्थी रिच हैं, तो ये सारी चीज़ें। तो कृति को आई गेस ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। लेकिन लड़कियाँ खूबसूरत दिख रही हैं, ऑन स्क्रीन बहुत ही ज़्यादा जानदार लग रही हैं, एंड उनकी ब्यूटी लिटरली अमेजिंग है। उर्वशी राउटेला को एक स्पेशल सॉन्ग दिया गया है, तेरा बीमार मेरा दिल, और उर्वशी उसी में ही निखर कर आती हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर उर्वशी के स्क्रीन प्रेजेंस की बात करें तो बहुत ही शॉर्ट है और आप लोग ऐसे कैरेक्टर्स को आराम से भूल जाएंगे। इलियाना डिक्रूज स्टार्टिंग में प्रॉमिसिंग लगी थी, लेकिन बाद में आते आते फिल्म की कहानी में उनका कोई मोड नहीं रहता है, कोई एंगल नहीं रहता है, वो बस हीरो के साथ स्टिक होकर आगे बढ़ रही हैं, रोमांस कर रही हैं, दैट्स इट। बट आई एम सो मच इंप्रेस्ड बाय अर्शद वारसी, अनिल कपूर साहब एंड यस सौरभ शुक्ला, द नेशनल अवार्ड विनिंग एक्टर। सौरभ सर की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो इस फिल्म में मेन हीरो से ज्यादा जो है वो सपोर्टिंग कास्ट है, उन्होंने लिटरली अमेजिंग काम किया है। चाहे वो पंडित जी बने हुए जो है सर हैं, वासिम सर हैं वो हैं, या फिर अगर मैं बात करूं तो बाकी की जो सपोर्टिंग कास्ट है वो ज्यादा स्ट्रांग है, वो ज्यादा उभर कर निखर कर आती है। इवन दो अनिल कपूर साहब इस तरीके के कैरेक्टर वेलकम और वेलकम बैक में कर चुके हैं, तो कहीं ना कहीं आपको मजनू की याद आ जाती है और आप लोग देखकर ये कहते हैं कि ये लंदन का नया मजनू है।
ओके अर्शद वारसी की अगर कॉमेडी टाइमिंग की बात करूं तो सबसे बेस्ट जो कॉमेडी टाइमिंग है अर्शद वारसी इज ग्रेट, उनकी गोलमाल ले लीजिए या गोलमाल 2 ले लीजिए या फिर मुन्ना भाई ले लीजिए, अर्शद वारसी कॉमेडी के किंग है। जॉली एलएलबी में हम उनकी कॉमेडी देखते हैं जो कि एक सीरियस कोर्टरूम ड्रामा भी हो सकती थी। पुलकित सम्राट लुक्स गुड, वेरी रिफ्रेशिंग, बट पुलकित सम्राट भी थोड़ा सा मतलब इस चीज को कॉमेडी और कॉमेडी पंचेस को आगे नहीं लेके जा सकते हैं। बात करें अगर दोस्तों फिल्म की, तो फिल्म जो है वो बिखरी हुई है, टुकड़े टुकड़े पार्ट्स में है, और उसको कलेक्ट करने में अनीस बज्मी सर थोड़ा फेल हो गए इस बार। है ना अनीस सर, पता नहीं क्यों दुख होता है कि जब इतने बड़े अच्छे डायरेक्टर जो हैं इस तरीके का प्रोडक्ट मार्केट में लेकर आते हैं। खैर कोई बात नहीं, अनीस सर आपको ऑल द वेरी बेस्ट फॉर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स। गानों की बात करते हैं, गाने अननेसेसरी थे नंबर वन। नंबर टू अगर बात करें जाए तो गानों में ऐसा कुछ वजन नहीं था, राइट? तो गाने ठीक है, आपको अच्छे लगेंगे, सुनेंगे, अच्छा कॉस्ट्यूम पहना है, लोकेशन अच्छा लिया है, डांस अच्छा कर रहे हैं, ठुमका ठुमका सॉन्ग कर रहे हैं, वगैरह वगैरह सारी बातें जो कि ओके है। फिल्म मेमोरेबल की अगर बात करेंगे कि आप जब कहानी दिमाग में लेकर जाएंगे तो ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं तो भूलने भी लग गया हूँ कि क्या कहानी थी। खैर इन सारी चीजों के बावजूद इट्स अ मैड कॉमेडी, आप लोगों को पसंद आएगी अगर आप अपना दिमाग घर पे रखकर जाएंगे और प्लस आप ज्यादा दिमाग नहीं सोचेंगे। एंड प्लस फिल्म अगर आप ऐसे ही पॉपकॉर्न खाते खाते देखना चाहते हैं तो ये फिल्म बुरी नहीं है, आप देख सकते हैं, राइट? स्टार्स की बात करें तो मैं 5 में से इस फिल्म को 2 स्टार देना चाहूंगा, बाकी आप देख लीजिए और आप अपना रिव्यू कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। बने रहिए चैनल के साथ, कीप ऑन वॉचिंग।